आज 26 नवंबर और 26 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए। सबसे पहले जो वरीयता के आधार पर कार्य चल रहा है DBT का, उसमें यदि शिथिलता पर प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के और जनपद बार पेंडेंसी की समीक्षा बैठक आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है, क्योंकि ये वरीयता के आधार पर बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपये जाने के संबंध में है। तो यहाँ पर ये आदेश भी निकाला गया है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर विषय है निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के खातों के में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि जो डायरेक्ट DBT डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफ़र है उसके माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के संबंध में। तो इस संबंध में ये जो बात है वो ये है, आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करना है कि कतिपय परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों द्वारा कार्रवाई अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है, जिसके कारण निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत डेटा वेरीफाई करते हुए अहर लाभार्थी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित किए जाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। तो वहीं पर कहा है, उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त योजनाओं से आच्छादित ऐसे सभी अवशेष परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं का DBT से संबंधित कार्य तत्काल आरंभ कराएं तथा प्राथमिकता पर विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डेटा का अविलंब वेरिफिकेशन कराते हुए धनराशि हस्तांतरण की कार्रवाई प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तो ये इस आदेश में साफ स्पष्ट किया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जिले वाइज यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया है, कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है, कितने फ्रेश स्टूडेंट हैं, किसने रिवर्टेड स्टूडेंट हैं और किसने नॉट सीडेड स्टूडेंट हैं, पेंडिंग टीचर लेवल पर कितने हैं, तो सभी कुछ इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं। लगभग सभी जिलों का ये डेटा है, आप यहाँ से देख पाएंगे। हम आपको स्लोली यहाँ से ये स्लाइड करते हुए शो करवा रहे हैं, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं कि किस जिले में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर इस जो पेज में है यदि हम देखें तो कितने 50 जनपदों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। तो बचे हुए जनपदों में यहाँ पर आप पेंडेंसी देख सकते हैं, टोटल 75 जिलों का यहाँ पर पेंडेंसी विवरण पूरा दिया गया है। तो यदि आप UPTET देने जा रहे हैं तो आपके लिए काम के हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश, तो देखते हैं आप निर्देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर UPTET उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में टेस्ट बुकलेट व OMR सीट पर समान टेस्ट बुकलेट कोड अंकित होना चाहिए, दोनों में आप मिलान कर लें। अपने साथ लेकर जाएं प्रवेश पत्र, ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र या किसी भी सेमेस्टर के अंक पत्र की मूल प्रति आप ले जा सकते हैं। अपनी आवंटित सीट पर बैठें, अन्य जगह बैठने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के बाद यदि केंद्र पर पहुंचे तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने साथ एक क्लिप बोर्ड लेकर आए जिस पर कुछ ना अंकित हो। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज देखें तो जिले के 5 लाख बच्चों में सीखने की ललक पैदा करेगा 36 लाख का TLM, यह भी है शामिल। तो ये हरदोई में जिले के करीब 5 लाख प्रसिद्धि स्कूलों को विषयों के कठिन बिंदुओं को शिक्षण अधिगम सामग्री से आसानी से समझाया जा सकेगा। शासन स्तर से जनपद के लिए 36 लाख रुपये इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर करीब 3500 शिक्षक प्रसिद्धि विद्यालय हैं, जिनमें 12,289 शिक्षक तैनात हैं। प्रत्येक शिक्षक अपने अपने विषयों में कठिन पाठों व बिंदुओं को उदाहरण देकर या फिर उससे संबंधित कोई यंत्र, चीज या पोस्टर दिखाकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। प्रसिद्धि विद्यालयों में 2 से 3 साल पहले 500 रुपये प्रति शिक्षक जारी किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में TLM को लेकर कोई राशि जारी नहीं हुई है। इस बार प्रति शिक्षक 300 रुपये जारी किए गए हैं। वहीं नेक्स्ट न्यूज है, विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के परिचय पत्र पहनने और बच्चों की उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो किस जिले में क्या ऑर्डर है, इस आदेश को हम लोग यहाँ से देखेंगे।
ये भदोही जिला से है, सेवा में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए है। विकास खंड दिखिया है औराई, भदोही, ज्ञानपुर, सुरियावा, अभोली, डींग, नगर क्षेत्र भदोही। तो विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के परिचय पत्र पहनने और बच्चों की उपस्थिति के संबंध में आदेशित किया गया है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विकासखंड के समस्त परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने स्तर से परिचय पत्र पहनकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें तथा विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु भी निर्देशित करें। विद्यालय निरीक्षण के समय यदि कोई प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है तो यह क्षम नहीं होगा तथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नेक्स्ट न्यूज में देखें तो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। तो इस ये झांसी से अनुदेशक संघ की ओर से 30,000 अनुदेशकों को नियमित किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों को माननीय योगी जी के समक्ष रखेंगे और संभव होगा तो जरूर इस पर नियमित करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ से आप ये देख भी पा रहे अनुदेशक संघ जनपद इकाई उत्तर प्रदेश, संयोजक हैं रमेश चक्रवर्ती, संयोजक हैं प्रशांत पांडे, संयोजक हैं मुकेश सिंह। तो यहाँ पर सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर साफ लिखा है, आपको सादर अवगत है कि बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 19 विद्यालय के मान और मानक के तहत सूची के क्रम में संख्या 1B और 3(2) में हम विषयगत अनुदेशकों का शासनादेश के अनुक्रम में हम अनुदेशकों की पूर्ण मान और मानक के अंतर्गत नियुक्ति की है, जिसमें जुलाई 2013 से लगातार निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की भांति दे रहे हैं, जिसमें संगठन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग करता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 30,000 अनुदेशकों को जो विगत 9 वर्ष इनकी निष्ठापूर्वक शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की भांति सेवाएं दे रहे हैं, 30,000 अनुदेशकों को 21-22 में उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान का शासनादेश जारी कराए। तो इस संबंध में ये आदेश तो नहीं है, लेकिन ये डिमांड की गई है अनुदेशक की ओर से, जो भी अनुदेशक हैं उनकी ओर से ये मांग की गई है। अब क्या कार्रवाई होती ये तो समय रहते पता चल जाएगा। तो हम सभी को ये पता ही है कि आज क्या है, भारतीय संविधान दिवस है, और भारतीय संविधान दिवस है तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम भारतीयों का अभिमान। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान पूरे देश में कितना बड़ा है, व्यापक है और विस्तृत है।